प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोगों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि जिस तरह से हम लोगों के स्कूलों में RTI के तहत छात्र छात्राओं का स्कूलों में सरकार द्वारा प्रवेश कराया जा रहा है और हम स्कूल प्रबंधकों को प्रति छात्र 450 रुपया दिया जा रहा है, इससे हम लोगों का खर्च नहीं निकल पा रहा है, जिससे कई प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पर आ गए हैं। कुछ स्कूल तो बंद भी हो गए हैं। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हम लोगों का जो शुल्क 450 प्रति छात्र है उसको बढ़ाकर 1000 प्रति छात्र करें, अन्यथा हम लोगों का RTI के तहत बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ रहेंगे। कोरोना काल के बाद स्कूलों की स्थिति काफी बदतर हुई, या यूं कह लीजिए कि स्कूल वाले बंदी कगार पर पहुंच गए, क्योंकि सरकार का एक नियम है RTI के तहत फ्री में बच्चों को पढ़ाना, जिसकी भुगतान सरकार करती है, लेकिन 4 वर्षों से सरकार कहीं ना कहीं अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है, नहीं कर पा रही है। किसी साल 8000 रुपये कर रही है, किसी साल 10000 कर रही है, इस साल पूरे भुगतान का 30% भुगतान किया है, किसी स्कूल वाले 10% किया है भुगतान, और किसी किसी विद्यालय को 1 रुपया भी नहीं मिला है। जैसे बड़ा गांव ब्लॉक में अधिकांश विद्यालयों को क्षतिपूर्ति 4 सालों से नहीं हो पा रही है, जिससे कि वो बंदी के कगार पहुंच गए। हमारे संज्ञान में बहुत से स्कूल है जो बंदी के कगार पहुंच गए या बंद हो गए हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार क्षतिपूर्ति नहीं करेगी, स्कूल वाले बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान को कहीं ना कहीं ये स्कूल वाले ही पूरा करते हैं।